ठीक है। कोवेलेंट बॉन्डिंग को वैसे मैंने शॉर्टली उस टाइम पर भी आपको समझाया था, तीनों को मैंने एक साथ कंपेयर फॉर्म में भी आपको बता चुका हूं मैं, फिर भी इसको अब आप यहां पर देखिए। यह तो आप ध्यान दीजिए कि कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होगा कि किन्हीं भी दो एलिमेंट जो हैं उन दोनों एलिमेंटों के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी। यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ट्रांसफर मतलब कि डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं करेगा, दोनों ही एलिमेंट एक दूसरे को मतलब कि बराबर के हिस्सेदारी के इलेक्ट्रॉन मतलब कि शेयर किए जाएंगे दोनों के बीच में, और वो शेयर किए गए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर दोनों ही एलिमेंटों का क्या होगा मतलब कि कंट्रोलिंग होगी। ओके, ये है तो इसकी डेफिनेशन ये है कि द केमिकल बॉन्ड विच फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एलिमेंट्स इज नाउन एज कोवेलेंट बॉन्ड। अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड व्हेन बोथ बोथ एलिमेंट्स नीड इलेक्ट्रॉन्स फॉर अचीव द नोबल गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन, ठीक है ना। दोनों ही मतलब कि जो भी दोनों एलिमेंट हैं उन दोनों एलिमेंटों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन को मतलब कि अपने नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन को गेट करने की दोनों को ही आवश्यकता होती है, दोनों को ही इलेक्ट्रॉन लेने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या है कि मतलब कि दोनों ही एलिमेंटों के बीच में इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होगी, ट्रांसफॉर्मेशन लेना देना नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहां पर अपन बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है ये तीन प्रकार की है, तीन है टाइप इसके। एक तो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग, दूसरी है डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग और तीसरी है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग। ओके, अब अपन सबसे पहले पढ़ते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग बॉन्डिंग इसके अंदर क्या होगा कि कोई भी, अब एग्जाम्पल देखिए आप, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो इनमें एग्जाम्पल है। वैसे भी मैं इसका एक एग्जाम्पल पहले भी आपको बता चुका हूं, और इसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग को मैं कल भी पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं, फिर भी अब इसको मतलब कि जैसे फॉर्मेशन इसमें क्या होगा, जैसे ये एग्जाम्पल अपन देखते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल। अब इनमें क्या होगा कि जैसे ये Cl है, क्लोरीन है, और ये दूसरा क्लोरीन एलिमेंट है, ठीक है। दोनों के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखें 2 8 7 है, इसका भी 2 8 7 है, ठीक है। इधर से अब इनके बीच में दोनों को ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी आउटर मोस्ट सेल में मतलब कि नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा लाने के लिए, ठीक है। तो दोनों ही एलिमेंट क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि इसने इन दोनों ने इस एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, तो अब इन दोनों के बीच में इस तरीके से जो भी इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं उनके बीच में कंट्रोलिंग दोनों की होगी। अच्छा, आप अब इलेक्ट्रॉनों की इनको देखोगे तो अब बाद में क्या हो गया, इसके पास में 6 और ये 2 भी इसके लिए गिने जाएंगे तो 8 हो गए, इसके पास में 6 और ये 2 इसके लिए भी गिने जाएंगे तो मतलब 8 हो गए, ठीक है ना। इस प्रकार से आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि जो नियरेस्ट नोबल गैस है इनकी आर्गन, ठीक है ना, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये गेट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर बात ये देखने की है कि जितने इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होगी, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होगी, पेयर मतलब जोड़ा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन जोड़े को दो इलेक्ट्रॉन को मिला करके एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा करते हैं अपन, ठीक है ना। तो मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होगी उतने ही बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखो, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, टोटल मिलाकर के एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है, तो यानी कि इन दोनों क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड होंगे वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा एक लाइन के द्वारा,
तो इसको अपन ऐसे बॉन्ड को कहेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब कि सिंपल सी बात यह है कि वह कोवेलेंट केमिकल बॉन्ड जिसमें क्या है कि मतलब कि दोनों एलिमेंट एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं या दोनों ही मिलकर के वन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, दोनों ही मिलाकर के वन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, दोनों ही मिलाकर के या दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। तो ऐसे ही ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे कोवेलेंट केमिकल बॉन्ड को अपन क्या कहते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब एक एग्जाम्पल और दे देता हूं मैं। ठीक, जैसे ये एक एग्जाम्पल और भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का देखिए, O2 मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल। अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में आप देखेंगे तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, इसका होता है 2-6। ठीक है ना, अब O2 मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन से मिलकर के बनाए, दो ऑक्सीजन से, तो एक और ये दूसरी वाली ऑक्सीजन भी। ठीक है ना, ये 2 और ये 6। ठीक, अब इनमें अपन जैसे ही इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वैसे इसके इलेक्ट्रॉन को मार्क्ड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर इसके ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट सेल में, उनको अपन ने मार्क कर दिए। यहाँ पर भी अलग साइन से अपन मार्क कर देते हैं। ठीक है, देखना इसमें ये हो गया। अब ऐसी सिचुएशन पर आप देखेंगे तो आउटरमोस्ट सेल में इस ऑक्सीजन को एट इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। अब ये ना तो इसको दे सकता है ना ये इसको दे सकता है क्लियरली, मगर अब ये दोनों क्या करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन नंबर्स इनके पास में घटे हुए हैं है ना, उनको कंप्लीट करने के लिए उतने ही इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे। तभी तो क्या होगा, 5 रुपए देंगे तो 5 रुपए भी आपको मिलेंगे। ठीक है ना, तो मतलब कि जितने घट रहे हैं उतने की शेयरिंग की जाती है। ठीक है ना, तो यहां पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ये भी शेयर करेगा और ये भी शेयर करेगा, तो कैसे हो जाएंगे, इस ऑक्सीजन ने अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया, उस वाली ऑक्सीजन ने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया, ये इस तरीके से। ठीक है, ओके। और इधर से दोनों ने शेयर किया है, अब बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन इनके पास में यहां पर है, ये इस तरीके से। ठीक, ये अब इन जो शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर भी कंट्रोलिंग, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गई ऑटो मॉलिक्यूल की। अब इसको अपन किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से, ये डबल बॉन्ड। ठीक है, इसको अपन इस तरीके से लिख देंगे। तो अब देखो, दो पेयर इलेक्ट्रॉन्स ठीक है ना शेयर हुए हैं तो डबल बॉन्ड बने हैं। ठीक है ना, जब एक पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो एक बॉन्ड बनेगा, इसको कहेंगे अपन डबल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहेंगे इसको, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, तो इस तरीके से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इनमें कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बात वही है, शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉनों की, वन पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं दोनों एलिमेंटों के बीच में, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर मान लीजिए कि टू इलेक्ट्रॉन पेयर उन दोनों के बीच में शेयर हो रहे हैं तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, दो लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है ना, और अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, या इसका मतलब 3 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं किन्हीं भी दो एलिमेंटों के बीच में, तो वहां पर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंपल सी बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का मैंने क्या है कि एग्जाम्पल बताया दिया, ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड का भी एग्जाम्पल हो गया। ठीक है ना, इसी तरीके से ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ओके। अच्छा, अब आपको क्या करना है इनमें, ये एक बात ये ध्यान रखनी जो मैंने सर्वप्रथम भी बताई थी, जहां कहीं पर भी बॉन्ड बनता है तो कौन सी, अभी जैसे यहां पर ये ऑक्सीजन थी ना, वो दोनों ओ टू मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन थी, इन दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इस तरीके से किया है ना, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करने के बाद। तो अब आपको ये ध्यान रखने की ओ टू इसमें क्या क्या लिखेंगे आप, जैसे मान लीजिए फॉर्मेशन ऑफ ओ टू मॉलिक्यूल ही आ गया एग्जाम में पूछ लिया, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ऐसी रिएक्शन जो है ना वह लिखनी है। ठीक है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं उनको बताएंगे आप, और उनको बता करके वो सारी रिएक्शन लिख करके, और नीचे लिखेंगे कि इस O2 मॉलिक्यूल इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल बिकॉज इन द
जो भी एलिमेंट है उसमें, ठीक है ना, उनका नाम लेते हुए बोथ ऑक्सीजन एलिमेंट्स है अचीव हिज नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2-8 है ना, विच इज नियॉन, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप उसका नाम भी बताएंगे, ठीक है ना, ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, और कुछ भी नहीं है, सारी बॉन्डिंग में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का पहले एक एग्जांपल और भी देख लेते हैं अपन, ये एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का, ठीक है ना, ये डबल वाले का बता दिया मैंने, एक ट्रिपल वाले का, पहले ट्रिपल वाले का भी देख लो एक साथ में, पहले सिंगल वाले का हो गया, डबल वाले का हो गया, ट्रिपल वाले का भी देख लो, ठीक है ना। तो ट्रिपल वाले का भी दिखा, पहले ट्रिपल वाले का भी देख लीजिए आप इसी तरीके से, ठीक है ना। जैसे ये N2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन है, N2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, ठीक है, N2 मॉलिक्यूल, अब N2 मॉलिक्यूल मतलब कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, दो नाइट्रोजन एलिमेंटों से मिलकर के बना होता है, तो ये दो नाइट्रोजन एलिमेंट, ठीक है, दो नाइट्रोजन एलिमेंटों के इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप ध्यान रहे, ठीक है, कितना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 और इधर से क्या है कि 5 है ना, 2-5 यही है, ओके। इसके आउटर मोस्ट सेल में इस तरीके से ये 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन, इनको अलग साइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं ये, ठीक, 5 है, सॉरी 5, हाँ 5, ओके 5 इलेक्ट्रॉन। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन है, अब देखो इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऐड करने के लिए अपनी आउटर मोस्ट सेल में, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी आउटर मोस्ट सेल में कंप्लीट करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन पर दोनों ही एलिमेंट क्या करेंगे, 3-3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे, 3-3 इलेक्ट्रॉनों की, 3-3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे, तो यानी कि ये नाइट्रोजन, ये एक नाइट्रोजन जो थी उसने तीनों इलेक्ट्रॉन अपने शेयर किए, दूसरी नाइट्रोजन ने भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, ठीक है, और बाकी जो बचे हैं उनको अपन उन पे ही रहने देते हैं ये। अब ये देखो ये जो बना है ना ये क्या कहलाएगा, N2 मॉलिक्यूल, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है, इसको अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और इसी को अपन इस तरीके से भी लिख देंगे, ठीक है ना। ये नाइट्रोजन की जो मतलब कि स्ट्रक्चर है, सिंप जो उसकी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है वह है, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ध्यान रखने का, एग्जाम में पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखी है, ठीक है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर लिखी है, तो आपको ध्यान रखना है ये इंपोर्टेंट है, इसको पूछा जाता है बहुत सारी बार, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसी किसी की भी, ठीक है ना, सभी की, ओके जितने कब लगभग आपके मतलब कि बुक में एग्जांपल है ना उन सब की, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखनी है, एथेन मेथेन, एथेन एथेन मेथेन है, ठीक है ना, एथीन है, ठीक है, उनकी नाइट्रोजन की है, ऑक्सीजन की है, इधर से क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड की है उनकी, ठीक, इनकी ध्यान रखनी है, इन सभी की जो आपके सिलेबस में कम से कम मॉलिक्यूल है। ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में सिंपल सी बात, वही डेफिनेशन की दो एलिमेंटों के बीच में अगर थ्री पेयर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो उसको ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, उसको अपन थ्री इस तरीके से लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे दोनों एलिमेंटों के बीच में, वो डेफिनेशन हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये एग्जांपल, इसमें कुल मिलाकर के इनमें कुछ भी नहीं है, डेफिनेशन तो एक जैसी है तीनों में, है ना, एग्जांपल ध्यान रखने हैं, ओके, और एग्जांपल एक तीन तो मैंने तीनों के लिए अलग अलग बता दिए, है ना। अब अपन क्या करते हैं, इधर से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में एक अब आपके कार्बन से रिलेट दिखाते हैं, कार्बन से रिलेट मतलब कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में देखिए आप कार्बन से रिलेट ये CH4, इसको देखिए CH4, अब CH4 यानी कि मेथेन, ठीक है ना, इसका फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ मेथेन। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी मेथेन जो होता है वह एक कार्बन और चार हाइड्रोजन एलिमेंटों से मिलकर के बना होता है, तो ये मतलब कि ये कार्बन और ये फोर हाइड्रोजन, ठीक है, फोर हाइड्रोजन है इसके ऊपर, इसके पास में हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, और इसके आउटर मोस्ट सेल में इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, चार, चार होते हैं, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो 2-4 और इसका 1, ओके। अब इसको भी अपने आउटर मोस्ट सेल में, इसकी नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है, हीलियम,
तो यानी कि हीलियम का जैसा बनना चाहेगा ये, हीलियम का जैसा बनेगा तो इसके पास में दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए के शेल में, ठीक है ना। इसकी जो नियरेस्ट नोबल गैस है वह हीलियम भी है, मगर कि अब इसको तो यहाँ पर शेयरिंग में तो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, कंप्लीट बात है, ठीक है ना, बिल्कुल ये ट्रांसफर तो कर ही नहीं रहा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कम तो होंगे नहीं। अब शेयरिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन इसके भी बढ़ेंगे, क्योंकि कंट्रोलिंग तो इसकी भी होगी ना उनके ऊपर, तो इसका मतलब ये किसकी तरफ जाएगा, न्यूऑन की तरफ, ठीक है ना। तो इसकी नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन न्यूऑन का हो जाएगा और इसका हीलियम का हो जाएगा, क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट शेल मतलब कि के वाली है, और के वाली में केवल कैपेसिटी कितने की होती है, दो इलेक्ट्रॉनों की, यानी कि हीलियम जैसा बनना चाहेगा, ठीक है ना। ओके, अब इनके बीच में क्या होगा, ये सभी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे, तो ये कार्बन जो है, हाइड्रोजन देखो, वन हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है, एक हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है, मगर अब तो फिर कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इन सभी के साथ में शेयरिंग करने के लिए, कितने हाइड्रोजन चाहिए, चार हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, इस वजह से टोटल चार इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको शेयर हुए, ठीक है ना, कार्बन को देखेंगे तो उसके लिए चार हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है ना। तो यानी कि इस तरीके से ये कार्बन है, ठीक है, ये एक हाइड्रोजन इधर से, ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा, ठीक है ना, इधर से दूसरा हाइड्रोजन आएगा और वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये कार्बन भी अपने दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देगा, ये हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन ये आएगा और ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा, कार्बन भी अपने तीसरे इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, ठीक है ना। और इसी तरीके से ये, ओके, ये इस तरीके से ये बन जाएगा। ये तो है ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसकी, मेथेन की, पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रख लेना। यहाँ कार्बन की जो तीन चार मोलिक्यूल है ना इम्पोर्टेंट जो आपके हैं सिलेबस में, इनकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछी जाती है, ठीक है ना। तो ये है मेथेन, और इसको अपन अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इसकी स्ट्रक्चर को, वो तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ये इसकी प्लेन दूसरी वाली मोलिकुलर स्ट्रक्चर है, ये मोलिकुलर स्ट्रक्चर है, वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है मेथेन की, ठीक है, और इसको अपन इस तरीके से लिखते हैं CH4। ओके, तो ये कहलाएगी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, सिंगल ये भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, आप ये मत कहना कि चार बॉन्ड बन रहे हैं, अब इसको कहें कि मतलब टेट्रा कोवेलेंट बॉन्ड कर दे, ये नहीं है। सिंगल डबल और ट्रिपल का मतलब कि दो एलिमेंटों के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं, दो एलिमेंटों के बीच में, ध्यान रखिएगा, यहां पर दो एलिमेंटों के बीच में एक, यहां पर दो एलिमेंटों के बीच में एक, यहां पर दो एलिमेंटों के बीच में एक, दो एलिमेंटों के बीच में एक, ठीक है ना। तो दो एलिमेंटों के बीच में देखना है आपको और कितने बन रहे हैं उस मोलिक्यूल में कितने बॉन्ड बन रहे हैं, उनसे मतलब नहीं आपको, मतलब किससे कि दो एलिमेंटों के बीच में कितने कोवेलेंट बन रहे हैं, ठीक है ना, तो उनको देखना है आपको। जैसे ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन के बीच में दो बने थे, दो एलिमेंटों के बीच में, तो डबल कोवेलेंट। नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन के बीच में मतलब क्या है कि तीन बने, तो ट्रिपल कोवेलेंट, यानी कि दो एलिमेंटों को देखना है आपको, ठीक है ना। ओके, ये इसका एक एग्जांपल और हुआ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का, ठीक है ना। डबल कोवेलेंट बॉन्ड का, जैसे ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन से संबंधित रिलेटेड डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ये C2H4, ये इसको कहते हैं अपन एथीन कहते हैं। ठीक है, और अब इसके लिए क्या करेंगे, एथीन जो मॉलिक्यूल होता है वो चार हाइड्रोजन और दो कार्बन से मिलकर के बना होता है, यानी कि ये दो कार्बन है ना और ये चार हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के पास में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, चार हाइड्रोजन है और यहां पर भी ये कार्बन की वही स्ट्रक्चर, ठीक है ना, इसके पास में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी जो कॉन्फिगरेशन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वह यही है, वही पहले वाला है और इसका ये वन है, ठीक है ना। अब यहां पर क्या होगा, पहले तो ये जो कार्बन, दो कार्बन है, ये दोनों कार्बन क्या करेंगे, इस तरीके से एक दूसरे कार्बन के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड करेंगे, ये इस तरीके से, ठीक है। ओके,
ये कार्बन एक एक बनाएंगे, पहले एक का ही ध्यान रखना है आपको। यहां पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड जब भी बनेगा ना इनके कार्बन कार्बन के बीच में, तो आपको उसमें ध्यान देना है, ठीक है ना। एक कार्बन क्या है कि दूसरे कार्बन के साथ में जुड़ तो जाएगा एक बॉन्ड बना करके, ठीक है ना। फिर बाकी अब ये चार चार जो हाइड्रोजन है, ये चार हाइड्रोजन इसके ऊपर मतलब कि इनसे एक तरीके से रिएक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो रिएक्ट कैसे करेंगे, ये इसके पास में बाकी बचे कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ये इस तरीके से तीन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, इसके पास भी ये तीन इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन एक चार ही हाइड्रोजन है, तो चार हाइड्रोजन को आप इनके ऊपर मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करा करके कर दीजिए। अब यहां पर एक बात ध्यान देनी है आपको, अगर मान लीजिए कि हाइड्रोजन यहां पर एड हो गया, ठीक है ना, तो दूसरा वाला हाइड्रोजन आपको दूसरे वाले की तरफ देना है, ठीक है ना। तीसरा वाला हाइड्रोजन मतलब आधे आधे करने एक तरीके से, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन तो चार ही है, मगर अब एक एक इलेक्ट्रॉन और बच गया कार्बन का, तो अब क्या होगा, फिर अब इनके बीच में कुछ भी नहीं होगा, ये भी एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयर करके, और ये भी क्या है कि डबल बॉन्ड का फोर, ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना। ओके, इस तरीके से। तो ये डबल बॉन्ड, इसको अपन क्या है कि पाई बॉन्ड भी कहते हैं, डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को पाई बॉन्ड भी कहते हैं। ये बॉन्ड हमेशा लास्ट में बनते हैं, पहले सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाने की मतलब कि वेट करते हैं कौन, एलिमेंट्स। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि यहां पर एक साथ डबल बॉन्ड क्यों नहीं बनाए मैंने, इसीलिए नहीं बनाए। पहले डबल बॉन्ड नहीं बनते कार्बन कार्बन के बीच में, डबल बॉन्ड तभी बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड तभी बनेगा, जब मतलब क्या है कि उनके पास में कोई ऑब्जेक्शन मतलब कि ऑप्शन नहीं रहेगा कि अब कोई भी एलिमेंट अपने से जुड़ेगा नहीं, या अब अपने को इन इलेक्ट्रॉनों को मतलब कि चार्जेस को एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो उसी कंडीशन पर यह डबल कोवेलेंट का और ट्रिपल कोवेलेंट का बॉन्ड का फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, इसको अपन किस तरीके से लिखा जाएगा, ये इस तरीके से, ये यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर कार्बन, ये हाइड्रोजन, ठीक। तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, इस बॉन्ड को, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पाई बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अपन बनाना बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है ना, बनाना बॉन्ड भी कहते हैं इसको। ये एक तरीके से इसमें कुछ भी नहीं होता है कि जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका चार्जेज जो होता है ना उसको एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफर किया जाता है, कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर, ठीक है ना। ये एक पुल बन जाता है, एक मतलब कि दोनों के बीच में क्या बन जाता है, एक्सचेंज पुल, ठीक है ना। यहां पर कोई ये बॉन्ड नहीं है, ये तो बॉन्ड तो केवल नाम दिया जा रहा है, इनके द्वारा इलेक्ट्रॉनों का, ये जो इलेक्ट्रॉन चार्जेज है उनका एक तरीके से ट्रांसफर हो रहा है एक दूसरे के ऊपर, कभी इधर से इधर, कभी इधर से इधर, ठीक है ना। ये है, तो ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड हुआ, ओके। और इसमें ये एग्जाम्पल आपने देख ली। हाँ, अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई कि इसमें कौन सा एलिमेंट किसको, कौन से नोबल गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन को गेट कर रहा है, तो वो आपको ध्यान है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और आपके जो पेजेस दिए हैं मैंने उनमें ढंग से पढ़िए आप, ठीक है। ये एग्जाम्पल हुए, डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, और ये इधर से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी हो गया है, ठीक है ना। तीनों कोवेलेंट बॉन्ड हो गए। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का एक एग्जाम्पल मैं कार्बन से रिलेटेड वाला बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। C2, उसका भी देख लीजिए आप, ठीक है ना। और ये H2, ये क्या है, एथाइन, ठीक है ना, क्या है ये, एथाइन, ठीक है ना, इसको कहते हैं एथाइन, ओके। अब इसको देखिए, एथाइन जो होती है ना, दो कार्बन और दो हाइड्रोजन एलिमेंटों से मिलकर के बनी होती है। तो अब आप क्या करेंगे, ये दो कार्बन, ठीक है ना, रखेंगे, और ये दो हाइड्रोजन, ठीक है,
अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही है 2 4, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही है 1, ठीक है ना। अब क्या होगा, पहले तो ये दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएंगे और इस तरीके से एड होंगे, ठीक है ना। अब ये अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाएंगे, पहले सिंगल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। ये इस बात को सोचेंगे कि देखे कितने हाइड्रोजन आते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि यहां पर दो ही हाइड्रोजन आते हैं ओनली, ठीक है, सपोज कीजिए कि मतलब कि यहां पर इनको दो ही हाइड्रोजन, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड तो बन गया कार्बन टू कार्बन, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि दो ही हाइड्रोजन आते हैं, ठीक, तो दो हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे इस तरीके से, है ना, ये ओके। अब इनके बाकी बचे हुए ये सारे इलेक्ट्रॉनिक रह जाएंगे ना, ओके। अगर मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि दो के बजाय यहां पर 4 आ जाते हैं, कितने, 4 हाइड्रोजन, तो दो हाइड्रोजन एक एक करके और जुड़ जाएंगे इस तरीके से, है ना, ओके। अब मान लीजिए कि और सपोज कीजिए कि दो हाइड्रोजन और आ जाते हैं, यानी कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, तो अब एक हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके कहने का मतलब ये है कि ये दोनों जो कार्बन एलिमेंट है ना, ये इंतजार करेंगे, वेट करेंगे कि देखिए कितने का हाइड्रोजन आते हैं, ठीक है ना। ओके, आप इस बात को इसी तरीके से समझिए, ये मतलब कि 11th और 12th बेसिस से, मतलब कि उनकी अगर कोई व्यक्ति उनके हिसाब से बात करता है तो वो सही है, मगर कि आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप जैसे समझ सकते हैं ना, उसी तरीके से समझाया जा रहा है आप, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए कि ये मतलब ये दोनों एलिमेंट वेट करेंगे कि कितने का हाइड्रोजन आते हैं। अब सपोज कीजिए कि नहीं आया हाइड्रोजन, ये इस तरीके से रह गया, ठीक है ना, ओके, ये इस तरीके से। तो अब ये क्या है कि वेट करके फिर क्या करेंगे, ये फिर अपने बचे हुए इन इलेक्ट्रॉनों का चार्जेज एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है ना। चार्जेज इलेक्ट्रॉन्स नहीं करेंगे ट्रांसफर, ठीक है ना, चार्जेज इलेक्ट्रॉनिक जो चार्ज है ना उसको एक दूसरे के ऊपर, कभी इधर से उधर, कभी इधर से इधर की तरफ, ठीक है ना। बॉन्ड भी नहीं होता है ये एक तरीके से, मगर इसको एक्चुअली में मतलब कि बॉन्ड कह सकते हैं, ठीक है ना, ये है। तो यानी कि यहां पर एक तरीके से क्या होगा, इन दोनों के बीच में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन चार्जेज ट्रांसफर पुल बनेगा, ठीक है ना, ये ओके। और इसी को अपन किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ये इस तरीके से, ये देखो, ये है ना। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, ये हो गया, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखिए, है ना। ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर भी गिना जाएगा, ये चारों इलेक्ट्रॉन इनके लिए गिने जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। वो सारे इलेक्ट्रॉन मतलब कि आप इस तरीके से मानेंगे कि इनके बीच में साझी, मतलब कि एक तरीके से शेयर हो चुके हैं, ठीक। तो ये क्या है कि मतलब कार्बन का देखिए, यहां पर इस कार्बन का, इसका हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के पास में इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, इसके आउटर मोस्ट सेल में इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, ठीक है ना। और इसके भी आउटर मोस्ट सेल में ये 2, है ना, और ये 2, और ये 2 4, और ये 2, ठीक है ना, तो टोटल 8, इसके भी इसी तरीके से गिनेंगे तो 8 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यानी कि कार्बन के 8 इसके भी, और इसके भी कार्बन के 8 आउटर मोस्ट सेल में, ओके, इस तरीके से, ओके। अब ये हो गया, अब आप ध्यान दीजिए, ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल हुआ, ओके। तो अब आप इस बात को ध्यान देना है कि जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं ना, वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सबसे लास्ट में बनते हैं, ठीक है ना। जब बॉन्ड बनाने की कोई मतलब की सिचुएशन नहीं रहती है, मतलब कि नहीं बना सकते हैं या नहीं बन रहे हैं, तो फिर उस सिचुएशन पर बचे हुए इलेक्ट्रॉनों को एक दूसरे के ऊपर उनके चार्जेज को ट्रांसफर करने के लिए जो पुल बनाया जाता है, उसी को ही अपन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि एक तरीके से इलेक्ट्रॉन चार्ज ट्रांसफर पुल हैं, कौन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इनको
पाई बॉन्ड से पाई बॉन्ड भी कहते हैं, और जो सिंगल मतलब कि जो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन साजित होकर के बनते हैं उनको अपन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, और इनको क्या है कि अपन सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है ना। ओके, इनकी जो शेप होती है ना, बनाना शेप होती है एक तरीके से, ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इसीलिए कहा जाता है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यानी कि जो पाई बॉन्ड है वो मजबूरी में बनाए गए बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं वो? मजबूरी में बनाए गए बॉन्ड, एलिमेंट नहीं आया ना अभी, इन्होंने कब बनाया? मजबूरी में। अगर हाइड्रोजन आ जाते तो नहीं बनाते, ठीक है ना, या कोई अदर एलिमेंट आ जाते। मान लो हाइड्रोजन का भी कोई ठेका नहीं है, यहां पर मान लीजिए कोई दूसरा एलिमेंट आ जाता, ऑक्सीजन आ जाता या कोई भी अदर एलिमेंट आ जाता जिनके साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते, तो डबल बॉन्ड बनाने कोई जरूरत ही नहीं थी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की, ठीक है ना। ओके, जब कोई एलिमेंट नहीं आया तो फिर इन्होंने सोचा कि भाई अब कोई नहीं आ रहा तो अपना काम अपन खुद करते हैं, ठीक है ना। ये तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यानी कि जो पाई बॉन्ड होते हैं वो मजबूरी में बनाए गए बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड यानी कि किन्हीं भी दो एलिमेंटों के बीच में जब तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है तो उससे बनने वाले बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। ओके, ये आपके डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड जो भी है ना वो खत्म हो गए। ओके, जितने भी आपके एग्जाम्पल उन पेजेज में जो भेजे हैं मैंने उन सभी को भी कीजिए आप और अपनी बुक के भी देखिए, ठीक है ना। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। हाँ, अब सब कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा सब कोवेलेंट बॉन्ड, सब कोवेलेंट बॉन्ड, सब कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि इस बॉन्ड में कोई भी जो एलिमेंट है ना, अभी जैसे आप को मैंने एग्जांपल दिखाया था पहले भी है ना, और ये एग्जांपल अभी आप और भी देखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि ये ऑक्सीजन O3 का मॉलिक्यूल, ओजोन मॉलिक्यूल का ही बताया मैंने, ठीक है। तो इस ओजोन मॉलिक्यूल में क्या होता है कि ऑक्सीजन है, तीन ऑक्सीजन है, तो ये तीन ऑक्सीजन होती है, कितनी ऑक्सीजन होती है ओजोन मॉलिक्यूल में? तीन ऑक्सीजन, मतलब एग्जाम्पल है ये, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। इसमें क्या होता है कि O3 मॉलिक्यूल ये है, ठीक है ना। अब इसको कैसे बनाएंगे, ये ऑक्सीजन, ठीक है ना, तीन ऑक्सीजन है, कितनी ऑक्सीजन है? तीन ऑक्सीजन। अब ये तीन ऑक्सीजन क्या होगी, इस तरीके से इनके पास में इलेक्ट्रॉन है, छह इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये तीनों ऑक्सीजन क्या करेगी एक तरीके से, पहले तो कोई भी दो ऑक्सीजन जो है ना वो दो ऑक्सीजन मिलकर के, पहले तो क्या करेगी, दो ऑक्सीजन मिलकर के इस तरीके से ये बनाएगी, ये O2 मॉलिक्यूल, क्या बनाएगी? O2 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब O2 मॉलिक्यूल बनने के बाद ये फिर इनको एक ऑक्सीजन और मिलेगी, क्या मिलेगी? एक ऑक्सीजन और भी। अब ये ऑक्सीजन ऐड होगी, या तो इस ऑक्सीजन के ऊपर ऐड होगी या इस ऑक्सीजन के ऊपर रिएक्ट करेगी, ठीक है ना। मान लीजिए इस ऑक्सीजन के ऊपर रिएक्ट किया तो फिर इस कंडीशन पर क्या होगा कि अब यहां पर देखिए इसको तो चाहिए दो इलेक्ट्रॉन, मगर इसका तो पूरा ही पहले से कोटा भरा हुआ है, ये तो शेयरिंग नहीं करवाएगा इलेक्ट्रॉन। तो अब ये क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में बात होगी, ऐसा है तू मैं इलेक्ट्रॉन तेरे को देती हूं, मगर कि उन इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना तेरा मेरा अधिकार है ना उतना तेरा भी रहेगा, मेरा भी रहेगा, ठीक है, और पूरे इलेक्ट्रॉन मैं देती हूं, ठीक है, कौन सी? ये वाली ऑक्सीजन, ठीक। तो यानी कि यहां पर एक तरीके से क्या होगा कि ये दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो ये तो जुड़े हुए हैं, ये वाली ऑक्सीजन को, ये वाली ऑक्सीजन क्या करेगी, दो इलेक्ट्रॉन मतलब कि डायरेक्टली इस तरीके से ट्रांसफर करेगी, ये दो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, ठीक है ना। ओके, कौन सी वाली? ये वाली, इसने दो इलेक्ट्रॉन मतलब कि डायरेक्टली इसको ट्रांसफर कर दिया। अब इसके पास में केवल दो इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, ये, ठीक है, और ये दो इलेक्ट्रॉन इस वाली ऑक्सीजन के, ठीक है, और ये तो इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन जो शेयर हुए थे वो हैं ये वाले। ओके, तो अब ऐसी जो स्ट्रक्चर होगी
इस स्ट्रक्चर ये है ओजोन मॉलिक्यूल की, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सब कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहलाएगा ये, सब कोवेलेंट बॉन्ड। सब कोवेलेंट बॉन्ड, हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि सब कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद ही बनते हैं, ठीक है ना, इस बात का भी ध्यान रखना आप। यूँ नहीं है कि सर्वप्रथम पर ही मतलब कि सब कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएंगे, ये भी एक तरीके से मजबूरी में बनाया गया बॉन्ड है। जब ऐसी सिचुएशन आएगी कि जहां पर कोई एक एलिमेंट तो पहले से ही स्टेबल है और दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो फिर वह इलेक्ट्रॉन मतलब कि क्या होगा, उसको ट्रांसफर किया जाएगा, और ट्रांसफर करके मतलब कि उसके ऊपर कंट्रोलिंग दोनों एलिमेंटों, क्योंकि मगर कि जो ट्रांसफर होंगे इलेक्ट्रॉन्स वह एक ही तरफ से होंगे, ठीक है ना, एक ही तरफ से वह इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है ना। अब इसके ऊपर क्या होगा, इस ऑक्सीजन का देखना मामला, इस ऑक्सीजन का मतलब कि कंट्रोलिंग ये इनके ऊपर भी रहेगी, ऐसा नहीं कि इनके ऊपर से कंट्रोलिंग छूट जाए। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन इसके ओर है, मगर कि ये इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी ट्रांसफर कर दिए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी गिने जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कहलाएगा सब कोवेलेंट बॉन्ड, ये कहलाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, इट इज फॉर्म्ड बाय द सब कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, इट इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एलिमेंट्स आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। कोवेलेंट बॉन्ड के बाद में इलेक्ट्रॉन्स पेयर अगर ट्रांसफर होते हैं एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के बीच में, तो उसको कहते हैं अपन सब कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। ओके, ये सब कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल ये भी हो गया, ठीक है ना, इसको भी आप लिख लेना। ओके, ये तो आपके तीनों जो केमिकल बॉन्डिंग है वो खत्म हो गई। अब अपन क्या है कि नेक्स्ट वीडियो में है ना पढ़ेंगे आयनिक जो कंपाउंड है, जो आयनिक बॉन्ड से आयनिक बॉन्ड बनकर के कंपाउंड बनते हैं, ठीक है ना, उनकी प्रॉपर्टीज, और इसी तरीके से कोवेलेंटेड जो कंपाउंड होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। थैंक यू।